बिहार शरीफ के लहेरी थाना क्षेत्र स्थित मछली मंडी के पास बदमाशों ने एक कोचिंग सेंटर के बाहर जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने पहले सेंटर पर पथराव किया और फिर बाद में फायरिंग भी की। घटना में कोचिंग संचालक समेत दो लोग जख्मी हो गए हैं और इस घटना से इलाके में अफरा तफरी का भी माहौल बन गया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि एक कोचिंग सेंटर में एक युवक पढ़ाई के दौरान अक्सर छात्राओं के साथ छेड़खानी करता था। युवक की इस हरकत के बारे में छात्राओं ने संचालक से शिकायत की, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। वहीं बदमाशों की एक करतूत कोचिंग में लगे CCTV कैमरे में भी कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस अपराधियों के धर पकड़ करने में जुटी है। ठीक है, आए तो क्लास में बदतमीजी के लड़के के साथ। हमने बोला कि सर आपका एडमिशन हम लेंगे नहीं, चूंकि आपका बिहेवियर सही नहीं है। तो वो लोग उस टाइम तो चला गया और अगले बैच में जैसे 8 बजे में उसको भेजा तो 9 बजे फिर आया और डायरेक्ट यहाँ रोड़ाबाजी करना शुरू कर दिया। 10-12 लोग थे, सारे लोग मास्क लगाए चूंकि चेहरा पहचान, लेकिन वो 4 लोगों को पहचान लेंगे जो मेरा क्लास किया था। 3 दिन पहले सर बिहेवियर ठीक नहीं था, इसलिए उसको बोले भैया आपका हम एडमिशन नहीं लेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, अभी जो मौके पर स्थिति क्या कुछ बनी हुई है और इस पर अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई, क्या जो भी अपराधी उन्हें गिरफ्त में लिया गया है? बताना चाहूंगा, अभी तक फिलहाल पुलिस के द्वारा किसी की भी गिरफ्तारी की बात नहीं बताई गई है, लेकिन जो संचालक है उनकी स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है, जिनका इलाज अभी पटना में चल रहा है। और इस तरह की जिस तरह की छात्रों का गुंडागर्दी देखा गया है शहर के पौष इलाके में, ये पुलिस के कार्यशैली पे सवालिया निशान जरूर खड़ा करती है कि पुलिस उस समय कहाँ थी जब दिन के उजाले में सुबह सुबह ही इस तरह की घटना को अंजाम ये छात्र गुंडा बन के दे रहे थे। और फिलहाल पुलिस अपनी इस मामले में किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है और पुलिस जो भी CCTV फुटेज में जिनका चेहरा सामने आ रहा है उनकी शिनाख्त कर छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश। और अभी फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अगली खबर भी हमारे पास नालंदा से ही आ रही है। नालंदा में 6 मार्च से लापता युवक का सुराग नहीं मिलने से परिजनों का गुस्सा भड़क उठा और बुधवार को बिहार शरीफ बरबीघा मुख्य मार्ग को 5 घंटों तक जाम रखा। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद जाम को हटाया। वहीं घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि अस्थावा पंचायत के मधु यादव को उसके ही 2 दोस्त भोज खाने के बहाने घर से लेकर गए और उसके बाद वो आज तक घर नहीं लौटा। परिजनों ने अपहरण का मामला दर्ज कराया है, जिसमें 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, लेकिन पुलिस के हाथों कुछ नहीं लगा। घटना के इतने दिन बीत जाने के कारण पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते हुए परिजनों ने सड़क जाम कर दिया है। सड़क जाम रहने का कारण है कि हमारा पंचायत अस्थावा में मधु कुमार का एक लड़का 5 दिनों से गायब है। गांव के ही कुछ लोगों द्वारा उनको गायब कर दिया गया है, आशंका है कि जान मार दिया गया है। जो है लोगों का जाम था यहाँ सेवा पुल पर, तो जिसको जो है काफ़ी समझाने बुझाने के बाद DSP साहब, CO साहब और सभी के नेतृत्व में जो है काफ़ी समझाने बुझाने के बाद आश्वासन दिया गया कि जल्दी खोजबीन कर लिया जाएगा और संदेह के आधार पर जो लोगों का नाम आया है उसको भी गिरफ्तारी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं नालंदा से राकेश। राकेश, 6 मार्च को युवक लापता हुआ है, अब तक पुलिस के हाथों कोई सुराग नहीं लगा है और मामले की तफ्तीश जारी, क्या कुछ पुलिस का कहना है इस मामले में राकेश? जी, इस मामले में फिलहाल पुलिस के तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है। हालांकि स्थानीय प्रशासन CO के द्वारा जाम हटाने क्रम में उन्होंने जैसा कि बताया कि ये अपहरण का ही केस दर्ज किया गया थाने में, ये तो काम पुलिस का है, जाम किया गया उसके लिए हम लोग आए थे हटाने के लिए। लेकिन आज घटना के 4th दिन भी अगर पुलिस के हाथ कुछ नहीं सुराग लगता तो परिजनों की आशंका तो और बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण उनका गुस्सा फूटा है और उसी आक्रोश को लेकर सभी लोग सड़क पर उतरे हैं। इसके बाद से वरीय पदाधिकारी घटना स्थल पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझा कर और कार्रवाई का भरोसा देकर इस जाम को हटवाया है। वही DSP साहब के द्वारा ही बताया गया कि अभी फिलहाल इस मामले में 2 लोगों को पूछताछ के लिए लिया गया है हिरासत में, उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल आगे युवक कहाँ है, किस हाल में है, इसकी जानकारी अभी फिलहाल किसी के पास नहीं मिल पाई है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। अपना उन्होंने बताया कि अभी उनके मोबाइल के लोकेशन को लेकर के हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि
जब से वो लड़का गायब हो उसमें से मोबाइल भी उनका स्विच ऑफ ही बताया जा रहा है, अभी फिलहाल पुलिस के पास यही जानकारी मिल पाई है। जी, जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश। तो एक बार फिर से बता दें, 6 मार्च को युवक लापता हुआ था जिसकी अब तक जो है पुलिस जो है ढूंढ नहीं पाई, और पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।